नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना के कमजोर होने के बाद मंदिरों के पट खोलने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया के बाद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के साथ साथ उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंगलनाथ मंदिर को भी खोला गया है। आपको बता दें कि मंगलनाथ मंदिर में मंगलनाथ भगवान की पूजा मंगल दोष वाले करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विकट परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। वहीं मंगल ग्रह की उत्पत्ति उज्जैन से होना बताई जाती है, इसलिए उज्जैन में विराजमान 43वें महादेव में एक अंगारेश्वर महादेव हैं। इन महादेव की पूजा करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। वहीं अनलॉक होते ही मंदिरों के पट खुले, जिसमें सैकड़ों दर्शनार्थी और श्रद्धालु मंगलनाथ और अंगारेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंचे और मंगल दोष की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष रुचि गुप्ता ने एडिशनल पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि विगत दिवस यूनिवर्सिटी थाने में महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर FIR दर्ज कराई गई थी। विगत दिवस मुआवजा राशि को लेकर शहर जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने अन्य महिलाओं के साथ तहसीलदार को ज्ञापन दिया था। वहीं पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में बताया गया कि जिला प्रशासन से लिखित अनुमति के अनुसार ही ज्ञापन दिया गया, जिसमें 20 लोगों की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन सिर्फ 15 की संख्या में ही गए और पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। सभी लोग मास्क लगाए हुए थे। उसके बाद भी FIR दर्ज करना न्याय संगत नहीं है। वहीं ज्ञापन में आग्रह किया गया कि उपरोक्त FIR वापस ली जाए या भाजपा के द्वारा जो कोरोना गाइडलाइन का समय समय पर उल्लंघन किया जा रहा है उन पर भी कार्रवाई की जाए। अभी जिला कांग्रेस के यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी आए और उन लोगों ने ज्ञापन दिया है। जो उनके ऊपर FIR हुई है उसके रिलेटेड उन्होंने ज्ञापन दिया। उनका ये कहना है कि FIR गलत हुई है, इस चीज़ को भी देखा जाएगा। उनके पास परमिशन थी कि नहीं थी, ये सारी चीज़ें तय करके ही हम आगे का डिसीजन बताए। विद परमिशन जो कोरोना से मृतक हैं, उनके जो परिजन हैं, जो बच्चे हैं अनाथ हो गए हैं, उनको लेकर पिछले 20 दिन से हम कलेक्ट्रेट पर चक्कर लगा रहे हैं। बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनके पास कोई शेड, कोई खाद भी कुछ भी अरेंज नहीं है सिवाय आश्वासन के, जिसको लेकर हमने उनको बताया भी था कि आप इन बच्चों की सुनें। जब सुनवाई नहीं, उसके बाद हम लोगों ने बाकायदा कलेक्ट्रेट में परमिशन लेते हुए हम लोगों ने वहाँ पर बाकायदा अपने वरिष्ठ जो नेतृत्व हैं उनके साथ प्रदर्शन किया और ये बताया कि हमारी उम्मीदें ख़त्म हो गई केंद्र सरकार से भी और ये मध्य प्रदेश सरकार से भी, जिस पर BJP सो कॉल जो घरों में घुसी हुई है उनको कुछ तो खुद करना नहीं है, आकर एक दबाव में, क्योंकि दबाव में ही काम होते हैं उनका भाई, उनकी सरकार है, किसी महिला द्वारा, मैं नाम नहीं जानती, उस महिला द्वारा एक आवेदन दिलवा दिया। आवेदन दिलवाने के बाद एक FIR करवाई है। भाई किस, हम लोकतंत्र में आर्टिकल उठा लीजिए, क्या प्रदर्शन करने का अधिकार हम लोगों को नहीं? जिसको लेकर आज हमारे जो शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी, कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय हमारे वीर सिंह भैया चतुर्भुज जी और प्रेम नारायण जी जो सचिव हैं, हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर कृतिका वासन जी जो उनको ज्ञापन दिया है। राजसमंद के आमेड में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित परियोजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तहत आमेड ब्लॉक के गाँव में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। आपको बता दें कि राछेटी खेड़ा गाँव में CRP टीम द्वारा 15 दिन गांव में रुककर 116 परिवारों का सर्वे कर 6 स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। इस दौरान सभा में अधिकारियों ने महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं को समूह के पंचसूत्र और नियम बताए और उन्होंने कहा कि महिलाएं समूह में जोड़कर छोटी छोटी बचत करें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, इसके बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कई अधिकारी और महिलाएं सभा में मौजूद रहे। खबर अलवर से है, जहां थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा ने कोरोना भगाओ साइकिल चलाओ अभियान की शुरुआत की है। विधायक ने अगुवाई कर जगन्नाथ मंदिर रूपवास से साइकिल रैली को थानागाजी के लिए रवाना करते हुए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान विधायक कांति प्रसाद मीणा ने बताया कि COVID-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कोरोना भगाओ साइकिल चलाओ अभियान की शुरुआत की गई है। साइकिल चलाने से स्वस्थ व्यक्ति बीमारियों से मुक्त और शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ पेट्रोल व डीजल के खर्च की भी बचत होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कोरोना की महामारी पहले से चल रही है और शायद दो लहर निकल गई, तीसरी लहर की भी संभावना बता रहे हैं। अब तीसरी लहर के लिए हम ये देना चाहते हैं संदेश
बाकी एक तो मास्क जरूरी है, दो गज की दूरी भी जरूरी है, एक सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। एक एक गाड़ी में 10-10 लोग बैठ के जाते हैं, भीड़ होती है, साइकिल से अलग अलग जाएगा तो एक संदेश मिलेगा, एक आदमी को अकेला रह के चलना चाहिए, चाहे साइकिल चले चाहे मोटरसाइकिल चले, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी तो कोरोना से बचाव हो जाए। नागौर के रिया बड़ी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिया बड़ी उपखंड का एकमात्र सबसे बड़ा चिकित्सालय है, जहां संसाधनों के बावजूद चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण इसकी स्थिति किसी गांव ढाणी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी है। हालात यह है कि उपखंड क्षेत्र के 129 गांव व ढाणियां स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रियाबड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हैं। वहीं चिकित्सकों के रिक्त पदों के चलते लोगों को समुचित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अजमेर सहित अन्यतर मजबूरी में इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ की आम जनता में स्वास्थ्य को लेकर आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों ने समय समय पर स्थानीय विधायकों और मंत्रियों को भी अवगत कराया, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने चिकित्सक नहीं लगाए जाने की स्थिति में आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।